अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इस बार मैं आप लोगों के लिए एक नई शॉप लेकर आया हूँ और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि नई नई शॉप एक्सप्लोर करते रहे। तो अब जैसे कि मैं आपने ये आया हूँ मैं अपना हादी भाई की शॉप पर गेमर सेंट पर, ये ऑनलाइन काम करते हैं पर अभी फ़िलहाल ये अपना खुद का आउटलेट वगैरह बना रहे। तो अभी इसलिए आपको थोड़ा आपको सेटिंग वेटिंग आउट लगेगी, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनी तो आपको सारी सेटिंग अच्छे से देखने को मिलेगी। पर इस वक्त फ़िलहाल आप देख सकते हो कि माशाल्लाह अच्छा स्टॉक अवेलेबल है और अपना हादी भाई का दावा है कि इनके जो रेट्स हैं ना आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल वो भी पूछते हैं कैसे इनके PS4 के रेट्स वगैरह, एक्सबॉक्स वन के रेट्स हैं। मुझे कुछ चीज़ों के रेट बताए भी हो जो मैं सुन के वाकई शौक हुआ हूँ। तो अभी फ़िलहाल PS4 के मैंने रेट इनसे नहीं पूछे, पर अब वीडियो में इनसे सारी डिटेल्स वगैरह लेते हैं। अभी जैसे PS4 के सारे कंसोल यहाँ पे मौजूद हैं, एडिशन वाले डे सप्ले एडिशन मौजूद है, ग्लेशियर वाइट मौजूद है, एक्सबॉक्स वन एस मौजूद है, वन फैट मौजूद है, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स मौजूद है, यूज़ में मेरे ख्याल से वो ओकुलस क्वेस्ट 2 मौजूद है। PS4 की गेम्स का अच्छा खासा बेहतरीन स्टॉक अवेलेबल है यहाँ पे, कंट्रोलर वगैरह का सब की यहाँ पे अनसील सील वगैरह सब, कंसोल डील भी कुछ लेकर आए। सारी डिटेल्स वगैरह अभी हम लेते हैं अपना हादी भाई से। तो अस्सलाम वालेकुम हादी भाई, क्या हाल है आपके? सलाम सब देखने वाले को सलाम। अच्छा हादी भाई, अपनी शॉप का एड्रेस वगैरह बताएं। ये आपने पैराडाइज बेकरी से बिल्कुल सीधा अंदर रहेंगे, गुलशन इकबाल का इलाका कहलाता है, ठीक है? पैराडाइज बेकरी से बिल्कुल सीधा अंदर रहेंगे, सीधा आपका पहला कट छोड़ेंगे, दूसरे कट पे सामने ही है स्कीम 33 भी कहलाता है। तो आप गूगल पर सर्च भी कर लें तो मेरे पास आ जाएंगे, मुझसे व्हाट्सएप पर लोकेशन मांग लें, आपको लोकेशन वगैरह सब भेज दूँगा और बाकी नीचे गार्ड होता है तो उसको बता दें। और गेमर सैंड के नाम से नाम है इनकी शॉप का, आपको फेसबुक पेज वगैरह भी मिल जाएंगे और नीचे अपना डिस्क्रिप्शन पे आपको गूगल मैप लोकेशन वगैरह एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि मैं वीडियोस के नोटिफिकेशन आप टाइम टू टाइम मिलते रहे। आगे आप शुरू करें तो फिर आपकी शॉप टाइमिंग क्या है वैसे? टाइमिंग बेसिकली ये होती है कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो लाइक 2 बजे से लेके और रात के 1 बजे तक मैक्सिमम हम लोग कर लेते हैं, मगर आप आने से पहले एक दफ़ा कॉल कर लेंगे तो ईजी आपके लिए भी रहेगा मेरे लिए भी रहेगा। सही है। तो हाँ ये करिए कि आने से पहले आप कॉल करिए क्योंकि बंदा बिजी होता है, कोई दूसरे काम में ना हो, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में आपको भी पता है कि 100 काम होते हैं, बंदा 24 घंटे अपना शॉप पर नहीं अवेलेबल हो सकता। सही है, तो इसलिए आप कॉल करके आए ज़्यादा बेहतर है। और कितने बजे तक आपको कॉल की जा सकती है ये भी बता दें ज़रा। देखें रात के 5 बजे तक जागता रहता हूँ मैं, तो वो तो सुबह ही होगी ना सुबह ही समझे आप, सुबह के 5 बजे तक और बाकी 12 बजे के बाद आप कॉल कर लें सुबह के। सही है, उसके बाद सही। तो आपको टाइमिंग वगैरह बता दी कि कब से कब तक आपको कॉल यहाँ पे कर सकते हैं? सुबह 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करिएगा, बंदा सो जाता है। अच्छा तो हादी भाई फिर अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें। 03168489366, दूसरा है 03333220968, दोनों सेम पर व्हाट्सएप अवेलेबल है। सही। अच्छा होम डिलीवरी सर्विस बताएं आप। होम डिलीवरी सर्विस का ये होता है कि आपका कंसोल्स हो गए और कंट्रोलर्स हो गए, CDs वगैरह जितनी एक्सेसरीज हो गई, ऑल ओवर कराची जो है हम लोग करते हैं, ठीक है? आउट ऑफ कराची आपकी कंसोल्स की डिलीवरी जो होगी वो एज पर माय साइड होगी, मैं उसको करूँगा, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री होगी मेरी तरफ से, यानी कि डिलीवरी चार्जेस नहीं लूँगा, बाकी कंट्रोलर्स वगैरह की जो होगी वो लेनी पड़ेगी। सही है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती, आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। सही। और वारंटी फिर? वारंटी 7 डेज़ की चेकिंग वारंटी कंसोल्स की, अगर किसी कस्टमर को लगता है कि डिलीवरी वारंटी बनानी चाहिए तो हम उसको एक्सटेंड कर देंगे 15 डेज़ तक। 15 डेज़ तक की आप कर देंगे। रिपेयरिंग का भी ज़रा डिटेल्स वगैरह बता। रिपेयरिंग के अंदर आपके कंट्रोलर्स हो गए और एक्सबॉक्स के हो गए, एक्सबॉक्स का कंट्रोलर हो गए, PS4 कंट्रोलर हो गए, PS3 के कंट्रोलर हो गए, और आपके PS4 की कोई भी इशू आता है आपके PS4 के अंदर वो हम सब करते हैं, इवन तो ब्लू लाइट ऑफ दैट भी अगर आपका होता है तो हम बना सकते हैं। अच्छा वो भी आप कर सकते हैं, वो हम सब कुछ कर सकते हैं। PS5 की रिपेयरिंग हो गई, एक्सबॉक्स वन हो गया, वन एस हो गया, सब हमारी रिपेयरिंग है। सही है, रिपेयरिंग की सर्विस यहाँ पे आपको बता दी गई। रिपेयरिंग जब करने के बाद कोई अपना क्या नाम है वारंटी वगैरह? 7 डेज़ चेकिंग वारंटी होती है, बस ये होता है कि जलने टूटने टूटने और गिरने की वारंटी कंसोल्स की भी नहीं होती, रिपेयरिंग की भी नहीं होती। वो तो रिपेयरिंग, सही बात है। 7 डेज़ चेकिंग वारंटी थी कंसोल्स की, 2 डेज़ चेकिंग वारंटी भी कंट्रोलर्स की। सही है, भले वो रिपेयरिंग की हो कुछ भी। और किसी को अपना कंसोल गेम या कंट्रोलर एक्सचेंज कराना या सेल आउट करना है आपको? हाँ सारी सर्विसेज हम लोग देते हैं, अगर आपको कोई मतलब PS4 दे के PS5 लेना है, PS3 दे के PS4 लेना तो ये सर्विसेज भी होती हैं। अगर आप आउट ऑफ कराची हैं, आपको कंसोल सेल करना है तो मुझे वीडियो बना के भेजें तो हम आपसे वो भी परचेस आउट कर लेंगे, हमें मतलब लाइक यहाँ भेजेंगे, आप चेक करेंगे, आपको विद इन 2 आवर्स भेज देंगे पेमेंट। और अगर विद इन कराची हैं आपको, अगर मेरे पास लेके नहीं आ सकते तो मेरा राइडर आपके पास आएगा, आपसे पिकअप करेगा, ऑन द स्पॉट पेमेंट करेगा, चेक करेगा, आपको पेमेंट कर देगा। अच्छा आप कह रहे थे आउट ऑफ कराची में कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके खुद से, जैसे कोयटा हो गया, पेशावर हो गया, और लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान, ये सिटीज़ ऐसी हैं अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे नहीं भेज सकते आप
तो मेरे वहाँ पे हैं कुछ दोस्त, तो आप उनको जाके चेक करा दें, आपको चेक करेंगे, आपको पेमेंट करेंगे और आपसे ले लेंगे। सही हो गया। अब हम आते हैं अपना प्राइसेस पर, सारी डिटेल्स वगैरह, अपनी सर्विसेज वगैरह सब आपको यहाँ पे बता दी गई हैं, समझा दी गई हैं। अब प्राइसेस पर आते हैं। सबसे पहले PS5 के रेट आप बताएं क्या चल रहे हैं। PS5 न्यू जापान का अगर अभी स्टॉक लेते हैं तो उसका रेट 178 to 180 रेट चल रहा है। जी जी। अगर आप 20-30 डेज के बाद अगर आप आते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि अराउंड 170 का रेट हो जाता है। सही है। तो यहाँ पे ये इनके सीन है। और वहीं जापान US या UK पे जाएँ? US और UK में बस नहीं होगा, UK ये दोनों नहीं है। वैसे सेम ही चीज़ है, कोई सा भी आप ले लें सेम चीज़ है। और आगे एक्सबॉक्स सीरीज एस की तरफ हम जाएँ, ब्रांड न्यू सीरीज एस ब्रांड न्यू 1 लाख क्रॉस कर गया। सही है। प्रॉफिट लीग वाला बंडल लेते हैं, अगर आप सिंपल लेते हैं तो 1 लाख का यूज़ में लेते हैं ये वाला, तो ये आपको मैं ऑफर कर दूँगा 75 का। 75 का यूज़ में आप दे रहे हो, बेहतरीन रेट। 4 मंथ गेम पास होगा, 4 मंथ गेम पास के साथ दे रहे हो, तो बहुत बेहतरीन रेट। जैसे कि इन्होंने कहा था अच्छे रेट देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको यूज़ में भी 80 से ऊपर ही देखने को मिलते हैं, पर 75 में 4 मंथ गेम पास के साथ आपको एक्सबॉक्स सीरीज़ एस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बेहतरीन रेट। और एक्सबॉक्स वन फैट पर हम जाएँ, यूज़ पर ही आपके पास मौजूद है, 2 पीस यहाँ पर मौजूद है आपके पास। तो क्या फिर इसका रेट है यार? ये वाला जो है सील्ड है, ठीक है, सही है, ये जो है बिल्कुल जेन्युइन सील्ड के ऊपर है, आपको पड़ेगा 2 मंथ गेम पास और विद 1 कंट्रोलर और इसकी जो एसेसरीज होती हैं बॉक्स के साथ, ये आपको पड़ जाएगा 30,000 का। 30,000 का ये पड़ जाएगा। और इसी में अगर आप अनसील्ड वाला लेते हैं वो मेरे ख्याल से ये अनसील्ड है, अनसील्ड है, HDMI पोर्ट पर शायद मेरे ख्याल से बना हुआ है, ये तो आपको 25 का मिल जाएगा। 25 का ये मिल जाएगा, सही है, ये विदाउट गेम पास होगा। तो जैसे कि इन्होंने कहा था कि वाकई इनके रेट वाकई बहुत शॉकिंग है, जहाँ पर आपको 35,000 का 2 मंथ के गेम पास या 1 मंथ के गेम पास के साथ मुश्किल से मिल रहा होता है 500 GB, वहाँ पर आपको 30,000 में 2 मंथ गेम पास के साथ मिल रहा है, और अनसील्ड वाला विदाउट गेम पास आपको 25,000 का मिल रहा है। तो बहुत ही वाकई बड़े बेहतरीन रेट इन्होंने बता दिए हैं यहाँ पर अपना एक्सबॉक्स वन यूज़ के फैट के। और वहीं एस पर हम जाएँ तो इसका भी आपको 2 मंथ गेम पास, ये ओरिजिनल सील्ड कंसोल है विद ओरिजिनल बॉक्सेस का, ठीक है, ये आपको 45 का पड़ेगा, ये 45 का पड़ेगा, इसके वही रेट है। हाँ, इसके नॉर्मल वही रेट है। कितने के मंथ का गेम पास? 2 मंथ गेम पास, 2 मंथ गेम पास के अगर बोलेंगे तो 4 मंथ करवा दूंगा, 4 मंथ करा देंगे। सही। और एक और डील दे दूंगा इसमें आपको विद 2 कंट्रोलर्स 50,000 में दे दूंगा, 50,000 में 2 कंट्रोलर के साथ दे दोगे। सही है। तो यहाँ पर ये हो गया। PS4 पर हम जाएँ तो पहले अनसील्ड के आप रेट बताएं फैट के। PS4 फैट अनसील्ड लेते हैं, नॉन GB, उसमें 1100 सीरीज लेते हैं तो वो आपको 35 से लेकर 38 का पड़ जाएगा। 35 से 38 तक का, बेहतरीन। उसके अंदर ये होगा कि बोर्ड पे रिपेयरिंग नहीं होगी, आप जिसको जाना चाहें चेक करा दें, ठीक है, बोर्ड की भी रिपेयरिंग नहीं होगी उसमें। अगर इशू होगा तो पावर सप्लाई हो गया, CD ROM हो गया, सर्विसिंग हो गई, इन इशूज़ के ऊपर होंगे, ठीक है। और अगर आप इसमें 1200 सीरीज लेते हैं तो वो आपको 39,000 to 40,000 का पड़ जाएगा। बेहतरीन, अच्छे रेट हैं। और वहीं सील पर या नॉन जेल ब्रेक? सील में अगर आप 1100 सीरीज लेते हैं तो सील आपको मैं 43 का दे दूंगा, जेन्युइन सील। और अगर आप 1200 सीरीज लेते हैं तो आपको 46 का दे दूंगा विद बॉक्स, 46 का विद बॉक्स दे देंगे आप। सही। और इस कंसोल की दफा कंडीशन देखें आप, जेन्युइन सील होंगे आपको कंडीशन दिखा देते हैं, यहाँ पर आप देख लें सील्ड है दोनों कंसोल, और इसके पोर्ट्स की हालत भी बहुत अच्छी है, बस मिट्टी लगी हुई है यहाँ पर और कुछ नहीं। यहाँ से भी खोल के चेक कराएंगे ना आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा मशीन की हालत क्या है। तो जैसे ही आपने देखा कि कैसी बेहतरीन कंडीशन में ये PS4 फैट मौजूद था, नॉन जेल ब्रेक, तो क्या रेट आपने बताया? 46 विद कंट्रोलर नेसेसरी कंप्लीट एक्सेसरीज, ये 1100 सीरीज, 1200 सीरीज, 1143 का पड़ेगा, 43 का पड़ेगा 1100। सही है। वहीं अब हम आते हैं जेल ब्रेक पर, PS4 फैट जेल ब्रेक का 1000 सीरीज लेते हैं वो आपको पड़ जाएगा 63 का, जेन्युइन सील 1100 सीरीज और 1000 सीरीज 63,000 रुपीज़ का। सही है, ठीक है। इसी में अगर आप 1200 सीरीज लेते हैं तो उसकी कंडीशन जिस तरह आपको मैंने दिखाई है, वाइट वाला देखें पहले, ये भी आपको जो है 65 का ही पड़ेगा, 1200 सीरीज जेल ब्रेक होगा। और इसकी फ्रेमवेयर जो होंगे जी, फ्रेमवेयर जो होगा इसका 5.05 होगा। ये आप देख लें इसकी बड़ी बेहतरीन कंडीशन है, पोर्ट वगैरह बिल्कुल साफ है इसकी, ये आप देख लें। तो ये क्या बताया आपने इसका, 1200 सीरीज का जेल ब्रेक, 65 का वाइट लें, ब्लैक लें, 65 का वाइट या ब्लैक लें। सही है। अच्छा, अगर हम ये जेल ब्रेक नॉन जेल ब्रेक में 1 TB लेते हैं PS4 फैट में तो कितना फ़र्क आ जाएगा? ये 3,000 रुपये का फ़र्क आएगा, 3,000 रुपये का। तो जहाँ पर 5,000 रुपये का फ़र्क होता है, वहाँ पे 3,000 रुपये के फ़र्क में आपको जेल ब्रेक और नॉन जेल ब्रेक 1 TB में आपको देखने को मिल जाएगा। 63 में आपको जेल ब्रेक मिल रही है ना मशीन, तो वो आपको मिल जाएगी 66 में।
और वहीं आपको 46 में जैसे मिल रही है एक मशीन अपना फैट नॉन जेल ब्रेक, तो 1 TB में मिल जाएगी आपको 49 की। तो बड़े बेहतरीन रेट यहाँ पे दिए गए हैं अपना हादी भाई की तरफ से। अच्छा तो हादी भाई, आप स्लिम की तरफ हम आए तो स्लिम का भी बताएं पहले। स्लिम में डील्स भी हैं आपके पास, ठीक है, और अगर आप अनसील की तरफ जाते हैं तो अनसील में मैं आपको 45 से लेके 47 तक आपको मिल जाएंगी, वो सिर्फ सर्विस पे और सीडी रोम पे खुली होंगी, ये उस पर पावर सप्लाई वगैरह कुछ नहीं बना हो। 45 to 47 आपको मिल जाएंगी, कंसोल्स 4-5 मिल जाएंगे, ये भी रखे हैं, इनमें भी रखे हैं। और अगर आप सील लेते हैं, सील की स्टार्टिंग रेंज जो है हमारे पास 52 से 500 GB की, 52 से स्टार्टिंग है सही है, 55-57 तक जाती है, 55 से 57। कंडीशन पे डिपेंड है, कंडीशन बॉक्सेस पे डिपेंड करता है आप कौन सा कंसोल ले रहे हैं, कौन सा नहीं ले रहे। और 1 TB 3000 रुपये का फर्क आ जाएगा, 3000 रुपये का फर्क आ जाएगा जी। सही, जैसे कि अब देखें तो 50 का आपको 1 TB अनसील मिल जाएगा, ठीक है, और 55 से लेके 60 तक आपको जो है वो मिल जाएगा, 1 TB मिल जाएगा, सही। तो और जेलब्रेक पर हमें, जेलब्रेक का 500 GB में पास अनसील भी है, आप अगर वो लेते हैं तो आपको वो पड़ जाएगा 68 का, 68 का वो जो है सीडी रोम पे खुला हुआ, ठीक है, सही। और अगर आप सील लेते हैं आपको 75 का दूंगा, बिल्कुल साफ तरह कौन सा 75 का, वही 1 TB पे जाए तो 78 का हो जाएगा, जेन्युइन सील होगा, जेन्युइन सील, सही है। तो यहाँ पर सारी, यहाँ पे स्लिम वगैरह यहाँ पर हो गए। अब हम आते हैं प्रो की तरफ, तो प्रो का फिर आप बताएं, यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है माशाल्लाह, तो इसमें ही अनसील्ड सील्ड है, तो पहले इसके अनसील्ड में सर्विस वाला कंसोल पड़ा हुआ, वो आपको पड़ेगा 60 का, 60016 है, सही, सीरियल नंबर बॉक्स है उसका, सर्विस के लिए खुला हुआ सर, ठीक है, वो 60,000 का पड़ेगा। आप सील्ड लेते हैं, सील्ड मेरे पास आपको 65 से लेकर 72 तक मिल जाएगा, सही। और वहीं जेल ब्रेक पर जाएँ, जेल ब्रेक अगर लेते हैं तो जेल ब्रेक के पास आपको अच्छी डील देता हूँ, ये वाला कंसोल है, ये 7100 है, ये आपको 1 TB जेन्युइन सील पड़ेगा 95 का। तो यहाँ पे 1,10,000 से 1,05,000 के रेट है, वहाँ पे 95,000 में आपको अभी PS4 फैट स्लिम प्रो यहाँ पे मिल रहा है जेल ब्रेक, सही, वो भी अच्छी है, इसके पोर्ट्स वगैरह मैं देख रहा हूँ बड़े बेहतरीन है और सील्ड पीस है। एक ये है डील है, ये 7200 वाला मॉडल है, 7216 वाला है, कंडीशन देखें आप, बिल्कुल लाइक न्यू कंसोल है, जेन्युइन सीट के ऊपर। ये तो अपना वाकई इन्होंने जैसे कहा था ब्रांड न्यू सील्ड, तो वाकई में ये ब्रांड न्यू सील्ड है, और हल्का सा एक स्क्रैच होता है ना वो भी नहीं है इस पर, आप देख सकते हैं बहुत ही साफ सुथरी कंडीशन में ये कंसोल अवेलेबल है आपके पास, 2-3-4 स्क्रैच होंगे मैक्सिमम इसमें, सही है। अब पोर्ट्स वगैरह यहाँ पे सामने ही देख लें, अच्छी कंडीशन में अवेलेबल है ये, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, तो 10 out of 10 जो होती है ना वो है 72 का पड़ेगा, 72 का ये नॉन जेल ब्रेक आप दे रहे हो, सही है। इसी में अगर आप देखना स्लिम है, सही है, सीरियल में बॉक्स है, सही, 2218 मॉडल है, 1 TB के अंदर ये कंट्रोलर है, इसको जेन्युइन सील के ऊपर, ये आपको पड़ेगा 55 का ये पड़ जाएगा स्लिम, ये इसकी भी आप देख लो कंडीशन, अच्छी कंडीशन है इसकी यहाँ पर, सही। तो ये आप कितने का दे रहे हो, 55 सीरियल में बॉक्स के साथ, सही है। एक ये फैट जेल ब्रेक है, ग्लेशियर वाइट के अंदर 1100 सीरीज है, ये ब्रांड न्यू टाइप है, सीरियल में बॉक्स है इसका अपना, ये आप देखें स्किन चढ़ी है इसके ऊपर, बहुत अच्छी स्किन लगाई हुई है, और स्किन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, देखा जाए जैसे ग्लोसी टाइप होती है ना, ये मैट फिनिशिंग मेरे ज़्यादा लग रही है, सील चेक करा दें आप, पोर्ट चेक कर रहे हैं, ब्रांड ये बहुत, आप देखें ग्लेशियर वाइट है, इसकी कंडीशन मैं आपको देख के बताऊँ तो बहुत बेहतरीन है, सील वगैरह भी है। ये कितने का दे रहे हो आप, 65 का, 500 GB 65 का आप ये दे रहे हो, नॉन जेल ब्रेक, सही है। इसी में अगर आप एक डेज ऑफ प्ले सीरियल में बॉक्स आता है, ये सिटी रोम के लिए खुला हुआ, सही, ये आपको पड़ेगा 50,000 का ये पड़ जाएगा, सही। और दूसरा वाला जो है डे सप्ले वो सील्ड है, वो आपको 500 GB पड़ेगा, 54 का वो पड़ेगा, वो सील्ड है जी। अच्छा, ओक्यूलस क्वेस्ट 2 आपके पास दो पीस मौजूद है यहाँ पर, तो इनके रेट बताएं ज़रा। ओक्यूलस क्वेस्ट 2 आपको पड़ेगा 128 GB लेते हैं तो 83 का पड़ेगा, 83 का,
और 256 देता हूँ, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू सी कंडीशन है उसकी, वो आपको 100 का पड़ेगा, 100 का वो पड़ेगा, 1 लाख का। सही है, तो काफ़ी अच्छे रेट दिए Oculus Quest 2 के भी, अगर देखा जाए यहाँ पर 150 प्लस रेट है अपना ब्रांड न्यू, और आपको यूज़ में तकरीबन अच्छे खासे रेट में ये आपको कमी पेशी दे रहे हैं, आपको अच्छे खासे रेट में दे रहे हैं ये। अच्छा, ये एक हेडफोन मौजूद है आपके पास मेंटो का रेड ड्रैगन, तो क्या इसके रेट है? 3500 इसके रेट है, ये आप देख लें। सही है, USB डोंगल, वायरलेस भी है। सही। अच्छा, यहाँ पर आप गेम्स पर हम आए तो GTA 5 कितने का दे रहे हो? 3500 का ये दे रहे हो, और वहीं क्रिकेट 7000। एशेज क्रिकेट? एशेज 2500। मार्वल स्पाइडरमैन 4000 का। ब्रांड न्यू कितने का चल रहा है आपके पास? यार ब्रांड न्यू 7.5 का रेट है इसका मेरे ख्याल से। सही। और विचर 3 वाइल्ड हंट 2500 का सिंपल वाला है, इसका अगर आप एडिशन लेते हैं गेम ऑफ द ईयर वो 3500 का। और RDR2 4000। गॉड ऑफ वॉर 2018 2800। गॉड ऑफ वॉर 3 रिमास्टर्ड आपको 2500 का पड़ेगा। 2K16 1500। 17 1800 2500। अनचार्टेड नेथन ड्रेक कलेक्शन 2000। सही। अनचार्टेड अपना थीफ सेंट 2200। सही। अच्छा, ये लेजेंडरी एडिशन मौजूद है आपके पास स्टील बुक इंजस्टिस 2 का, कितने का दे रहे हो आप? 3500 का ये आप दे रहे हो, इसके साथ इसके वो अपना कॉइंस वगैरह कॉइन वगैरह नहीं है। सही है। अच्छा, ये स्लीपिंग डॉग्स भी आपके मौजूद है डेफिनेट एडिशन, ये कितने का दे रहे हो? 4500 का। और फीफा का यहाँ पर आप देख लें कि हर यहाँ पे मौजूद है अपना हर ईयर का। फीफा 16 कितने का दे रहे हो? 500। 17 500। 18 500। 19 1500। 20 1800। 21 2500। अच्छा, फीफा 23 कितने का दोगे आप फिर? यूज़ में 7000 का रेट है जी, और नया लेंगे तो 8500। और अपना 8500 जी, बेहतरीन रेट है। और अपना क्या नाम है, फीफा 22 आपको 5500 का पड़ेगा ब्रांड न्यू जी, और यूज़ लेंगे 4500 का। सही है। और जंप फोर 1500। ये आपको पड़ेगा 2500। माफिया थ्री 2000। फार्क्राई फाइव 1800। और यहाँ पर इस तरफ हमारे मोटो कॉम्बे 11 पड़ेगा 3500। मोटो कॉम्बे एक्सेल आपको पड़ेगा 2800। अच्छा, लेजेंडरी एडिशन नॉर्मल में कितने का है? आप लेजेंडरी एडिशन नॉर्मल में लेते हैं 2500 का पड़ेगा जैसे तो बात जी। और मोटो कॉम्बे 11 अल्टीमेट पड़ेगा 5.5। लास्ट वाला रिमास्टर्ड 2500। क्वालिटी ब्लैक ऑप 3500। और गोस्ट आपको पड़ेगा 1200। क्वालिटी बहुत अच्छा जी। और अपना फैंटम पेन 1800। ड्रैगन एज आपको 2000 का पड़ेगा। सही है। टेकन सेवन आपको अगर सिंपल लेंगे 3500 का यूज़ है, और अगर इसमें लेजेंडरी वाला तो 4000 का पड़ेगा। सही है। 1500। सही। एचएस क्रिकेट 2500। अच्छा फिर हादी भाई, इसका फिर रेट बताएं, PS4 के ये ओरिजिनल यूज़ कंट्रोल मौजूद है आपके पास? इसमें मुख्तलिफ हैं, इसमें अगर जेन्युइन लेते हैं 5500 स्टार्ट है जी, जो एडिशन उसमें मिक्स है 6-7000 का पड़ जाएगा। अगर आप जेन 2 लेते हैं तो आपको 6000 से लेके 7.5-8000 तक पड़ जाएगा। सही। और ये एक्सबॉक्स सीरीज का भी आपके यूज़ में मौजूद है यहाँ पर भी, अच्छी कंडीशन में आपको पड़ेंगे 10000 रुपये के। 10000 रुपये के ये है। सही है। तो जैसे कि आपने देखा है कि बेहतरीन यहाँ पे रेट आपको हादी भाई ने दे दिए हैं, बहुत बेहतरीन रेट दिए हैं। एक्सबॉक्स वन के तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छे रेट इन्होंने दिए हैं यहाँ पर, आप किसी के पास अभी फ़िलहाल इतने में एक्सबॉक्स वन फैट यहाँ पर नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे रेट दिए हैं। PS4 के कंट्रोल वगैरह के, गेम्स वगैरह के, सभी के अच्छे ये रेट यहाँ पर हादी भाई ने दे दिए। तो फिलहाल वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप टाइम टू मिलती रहे। कोई सी भी चीज़ वगैरह लेनी हो, गेम वगैरह, कंसोल, कंट्रोलर वगैरह, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपना हादी भाई को। हादी भाई के दोनों नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, एड्रेस वगैरह, गूगल मैप लोकेशन, फेसबुक पेज लिंक वगैरह सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कंसोल रिपेयर करवाना हो, मेंबरशिप लेनी हो, गिफ्ट कार्ड लेना हो, या अपना गेम पास वगैरह लेना हो, सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपना हादी भाई को, और मेरे सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ पर फॉलो कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।